नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि 4.5 इंच का जो कि गोलगप्पे वाली कटोरी होती है वो आपको 1 kg माल में कितना पीस निकलता है, 80 GSM में, 100 GSM में, 120 GSM में। आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं कि 1 kg माल में आपको कितना का इन्वेस्ट करना होगा और आपको कितना 1 kg माल में प्रॉफिट होगा और आप उस माल को रिटेल में कितने के बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक में बने रहे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं और आप लोग के मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमसे आप सहायता ले सकते हैं, हम आपकी फुल सहायता करेंगे। यदि आपके मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, लास्ट तक वीडियो बने रहें तभी आप जान पाइएगा कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं और किस तरह से रेट निकालते हैं और किस तरह से हमारा प्रॉफिट होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 80 GSM में हमारा कितना पीस निकलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि 80 GSM के माल में, 1 kg माल में हमारा कितना इन्वेस्ट होता है और कितना हमारा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों आज हम आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे फेस टू फेस कि किस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं जो कि आपको रेट निकलता है। तो दोस्तों आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो आपको रिटेल में का है, क्योंकि दोस्तों ये कैलकुलेशन रिटेल में किया जाता है। तो दोस्तों इस समय हमारा 80 GSM का रेट चल रहा है 58 रुपये kg। तो दोस्तों हमारा 58 रुपये kg हमारा मटेरियल हो गया है, 45 रुपये अपना प्रॉफिट लेंगे तो हमारा 103 रुपये kg हो गया है। तो दोस्तों हमारा 80 GSM के माल में हमारा 1 kg माल में 700 पीस निकलता है, तो भागा देंगे हम इसे 700 पीस से, तो हमारा एक पीस का 147 पैसा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम गुना करेंगे। और हाँ, आपके मार्केट में जितने की पैकिंग चलती है उसको आप यहाँ डालिएगा। अगर आपको 22 की पैकिंग चलती होगी तो 22 का पैकिंग डालिएगा, तो 3 रुपये 23 पैसा का आपका एक पैकेट पड़ता है। यदि आपको 24 पीस का होगा तो 24 यहाँ लिखिएगा तो आपको 3.5 रुपये का होगा। यदि आपके 25 पीस का होगा तो आप यहाँ 25 लिखिएगा तो आपको 3.67 रुपये का पैकेट होता है। तो दोस्तों ये आपको रिटेल में है। तो दोस्तों आपका 1 kg माल में देखिए कितना हो गया, आपको एक पैकेट में 25 पीस होता है, 25 पीस की पैकेट होती है। तो दोस्तों 1 kg माल में आपको 700 रुपये निकलता है। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन करके पूरी तरह से। तो दोस्तों ये आपका 25 पीस का हो गया है 3.67 रुपये, यानी आप इसे 4 रुपये का बेच सकते हैं रिटेल में आराम से। तो दोस्तों यदि आपका 3.67 रुपये का एक पैकेट बिकता है तो आपका 700 पीस में कम 28 पैकेट बनता है। तो देखिए 28 × 25, हम अगर 28 पीस को बेचते हैं तो हमारा 700 पीस हो गया है। तो अगर हम इसे 4 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो 4 × 28 तो 112 रुपये होता है हमारा प्रॉफिट। और दोस्तों अगर हम इसमें माल का रेट निकाल देते हैं पीस, तो देखिए हम कितना होता है। यदि हम इसमें 58 रुपये निकाल के 45 रुपये, यानी आपको 1 kg माल पे 4550 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं 100 GSM में कितना पीस निकलता है और 120 GSM में कितना पीस निकलता है। तो दोस्तों 120 GSM की बात करते हैं तो हमारा अभी 100 GSM का माल चल रहा है 55 रुपये kg। तो दोस्तों हमें इसे प्रॉफिट लेंगे अपना 45 रुपये जो कि हमारे रिटेल भाव में होता है, तो हमारा 100 रुपये kg हो गया है। तो दोस्तों हमारा 100 GSM में 600 पीस निकलता है। जैसे आपका GSM बढ़ेगा वैसे आपका पीस कम निकलेगा। तो दोस्तों अब इसे हम भागा गुना देंगे 25 पीस से, तो आपका ये 4.16 रुपये का एक पैकेट होता है। तो दोस्तों इसको आप उसी तरह से कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा कि आपको कितना होता है। तो दोस्तों मैक्सिमम आपको 1 kg माल में 45 से 50 रुपये का प्रॉफिट होता है अगर रिटेल में आप बेचते हैं तो। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं 120 GSM में। तो दोस्तों 120 GSM का हमारा चल रहा है इस समय 53 रुपये kg, तो प्लस में देंगे हमारा वही 45 रुपये, तो हमारा 98 रुपये हो गया है। तो दोस्तों हम भागा देंगे इसे 500 पीस से, क्योंकि हमारा 120 GSM होता है पेपर मोटा होता है इसी कारण हमारा पीस कम निकलता है। तो दोस्तों ये हमारा एक पैकेट का हो गया है 5 रुपये पैकेट, हमारा 45 रुपये जोड़ के, तो इसे हम रिटेल में आराम से 5 रुपये बेच सकते हैं।
तो दोस्तों अब तो आपको समझ आ चुकी होगी कि कैलकुलेशन किस तरह करते हैं और किस तरह हम पीस का रेट निकालते हैं और किस तरह हम मार्केटिंग करेंगे और किस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग को इसमें भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं, हम आपकी फुल हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।